हाय नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो? चलो आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर अनमोल बाणी। अनमोल बाणी, ठीक है। इसको किसने लिखा है? कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने। तो कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले थे। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। ओके, वे कपड़े बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। कौन? कबीरदास। ओके, वे ईश्वर के निर्माण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी 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 गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। तो ये जो वाणी है, उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नाम का ग्रंथ में संग्रहित किया है। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो कि उस समय उन जन समाज में प्रचलित थी। वो अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर भी करते थे। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं उनके दोहे। देखो यहाँ पर क्या लिखे, फर्स्ट पढ़ते हैं। संच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवई, ताही बोयत फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ है। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। ओके, तो ये खड़ी बोली शब्द के रूप में यहाँ पर दोहे लिखी गई है। तो समझते हैं अभी। सांच बराबर तप है, सांच यानी कि सच। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं होती है। झूठ बराबर पाप, जो झूठ होता है वो पाप के समान होती है। ठीक है, वो पाप के समान होती है। अगर आपको झूठ बोलते हैं तो वो पाप की पाप के समान होती है। सांच यानी कि सच, जो पुण्य के समान होती है। जाके हृदय सांच है, जाके मैंने ये जिसके हृदय यानी कि जिसके हृदय में। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जाके यानी कि जिसके, हृदय यानी कि हृदय, सांच यानी कि सच। जिसके हृदय में सच है, ताके हृदय आप। उसके, ताके यानी कि उसके हृदय यानी कि हृदय, जो कि बोली आप यानी कि भगवान के अर्थ आप कहा गया है। ताके हृदय क्या होता है? भगवान बसते हैं। जिसके हृदय में सत्य होता है, सच होता है, उसके हृदय में कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। जो तो को कांटा बुवई, ताही बोए तो फूल। जो तेरे रास्ते में कांटा बुनता है, जो तेरे रास्ते में, जो तेरे पथ के पथ में कांटा बुनता है, कांटा बुनता है, तो उसमें उसको फूल दे। तो उसके बदले उसको क्या दे? फूल दे। ठीक है, यानी कि जो तुम्हें कष्ट देता है, जो तुम्हें दुख देता है, तो उसको सुख दे। तो को फूल को फूल है, बाको ही त्रिशूल। तो जो तेरे रास्ते में कांटा होता है, तो उसके रास्ते में फूल दे, ताकि उस तो को फूल को फूले, बाको ही त्रिशूल। तेरे फूल के बदले, तेरे अच्छी कर्म के बदले, फूल यानी कि यहाँ पर फूल नहीं बिछना है। वो आपके रास्ते में दुविधाएं देगी, कष्ट देगी, बुरा काम करेगा, बट तुमको अच्छा काम करनी है, उसको कोई कष्ट नहीं देनी है। ठीक है, ताकि तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए उसको अच्छा फल मिलेगा, बट उसके बुरा कर्म के लिए उसको बुरा फल मिलेगा, और तुझे पुरुषोत्तम की खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखो थर्ड दोहे के देखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल। तो यहाँ पर कवि यानी कि कबीरदास, यहाँ पर कवि यानी कि कबीरदास कहते हैं कि जो भी काम होता है वो धीरे धीरे ही सफल होती है। सब कुछ काम धीरे धीरे से ही होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल। एक माली जब एक पेड़ में पानी देता है, तो उसको पता नहीं होता है कि कब उसमें फूल होगा, कब वो फूल से, कब वो उस पेड़ की फूल दिखेगा, और फिर उसके उसके कब फल आएगा, वो कब वो फल की मिठास को चख पाएगा। तो इसीलिए वो उसकी वो क्या करता है, उसकी वेट नहीं करता है। फूल आने पर या फिर फल आने पर में पानी नहीं है, माली सिंचता रहता है, सिंचता रहता है, पानी सिंचता रहता है।
बट ऋतु जब आती है, फल आने की ऋतु, वही ऋतु में ही फल आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तीन दो है, तो अगर कुछ होगा आपका डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी के लिए रखती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, कि कोई भी वीडियो में पोस्ट करो तो आपको सबको पहले आ जाए। देन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।